अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, आज जो है बारिश हुई थी सुबह, लेकिन इतनी नहीं हुई थी, कम हुई है। तो अभी देखें ये मंज़र कैसा लग रहा है आप लोगों को ना। यहाँ का मंज़र जो है कि बहुत गर्मी हो रही है, और ये हमारा नेबर है, इनका टुटू है ये। मिठू बेटे, मिठू बेटे इधर देखो, छोनू, छोनू कहाँ है, हैं छोनू, छोनू कहाँ पर हो। मिठू बेटे, मिठू, मिठू, तो देखा आप लोगों ने कितना प्यारा मिठू है ये। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी, आप लोगों से भी शेयर करूं। मैं आ गई अपने घर, जी ठीक है, और ये है मेरा घर से। अच्छा जी, तो शेयर करते हैं आपसे बातें, क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, और इसलिए कि तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज बनाई जाए, कुछ अपने बचपन की बातें भी आप लोगों से की जाएँ, शेयर करूँ आप लोगों से। जो बचपन की बातें तो जो होती हैं वो भुला नहीं पाती कभी भी, और भूलना भी नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि बचपन की जो बातें होती हैं वो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी प्यारी सी होती हैं। यादों के सहारे तो इंसान ज़िंदा रहता है, तो मुझे तो अपनी बचपन की बातें बहुत याद हैं, और आप लोगों को भी याद रहेंगी, क्योंकि ना ये बचपन की बातें जो होती हैं बड़ी प्यारी होती हैं। अच्छा, मैं जब छोटी सी थी ना, तो स्कूल जाया करती थी, स्कूल से जब वापस आती थी ना, तो बड़ी शरारती होती थी, सभी बच्चे शरारती होते हैं, तो मैं भी बड़ी शरारती थी। तो जब ना मैं स्कूल से छुट्टी होती थी, तो मेरे घर के रास्ते में पड़ता था एक पेड़ होता था केरी का, तो बस वहाँ से मैंने पत्थर लेना और मैंने मारना और केरी नीचे आ जानी, फिर वहाँ पर होता था माली। बताऊँ आप लोगों को, मैं बड़ी शरारती हुआ करती थी छोटी सी थी, लेकिन ये कि मुझे अभी भी याद है, बड़ा मज़ा आता था। तो माली फिर ना मेरे पीछे पीछे होता था कि रोज़ाना आती है और केरी तोड़ के और ना ये पत्थर मारती है। तो मैं कहती थी उसको, मैं बोलती थी कि ना भाई आप लोग नहीं दोगे तो मैं मांगती थी उससे कि भाई मुझे दे दो केरी तोड़ के, तो वो नहीं देता था मुझे, तो मुझे गुस्सा आता था, तो मैं ये ना पत्थर ना लेके ना मार दिया करती थी। तो ये होता था। अच्छा, तो फिर बड़ा मज़ा आता था, वो मैं आ गया कि वो मेरे पीछे पीछे ऐसे होता था, पकड़ने की कोशिश करता था लेकिन वो पकड़ी नहीं जाती थी। ज़ाहिर आपको पता है उस ज़माने के बच्चे तो छोटे छोटे होते थे। अब जाहिर सी बात है कि अच्छा चलो ये तो हो गई बात मेरी बचपन की, और भी बहुत सी यादें हैं मेरी बचपन की हैं। आप लोग जो भी मूवी देख रहे होंगे, मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग भी अपने बचपन में चले जाएंगे, कि आप लोगों ने भी बड़ी शरारतें की होंगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि मेरी बातें कैसी लगी आपको, मेरी मूवी कैसी लगी, ठीक है। तो ये तो बातें चलती रहती हैं, और बचपन की बातें तो आपको पता ही है, नहीं भुलानी चाहिए, बहुत प्यारी होती हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मैं बहुत पीछे चली जाती हूँ, 40 साल पीछे चली जाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इंसान ना अपनी बचपन की बातें जो होती हैं ना, वो इंसान के साथ शेयर करता है, कभी दोस्तें मिल जाती हैं तो उनसे शेयर करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है कि अल्लाह हम उस तरफ चले जाते हैं पीछे ना, कि हम कैसे थे। और आजकल के बचपन के बच्चे तो हैं बेचारे, वो घर में के हद तक ही महदूद होकर रह गए हैं, ना कहीं जाना ना। उस ज़माने में तो हम नानी घर पर जाके खाना खा लिया करते थे, कभी मामों के घर पर जा रहे हैं, कभी मतलब इतना अच्छा लगता था, ईद की एक अजीब सी ही खुशी होती थी, महसूस होती थी ईद की, और जो कपड़े लेकर आने, चूड़ियाँ पहननी, और सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था। अब तो कुछ पता ही नहीं है ईद के बारे में, और कोई शरारतों के बारे में, आजकल के बच्चे तो शरारतें भी नहीं करते मोबाइलों के चक्कर में, अब तो मोबाइल आ गया आपको पता ही है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो यही कह रही थी कि पता नहीं किस तरह से लोग अब जीते हैं बच्चे देखो, लेकिन हमारे ज़माने में तो नहीं था ऐसा, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हम लोगों ने ना, बहुत अच्छा। और वक्त की क्या बात करें जी, बस ऐसा ही है वक्त, अब तो को पता ही है कोरोना ने बड़ा कर दिया सबका, अब कह रहे चौथी लहर आ रही है, तो
चलो बचपन की बातें भी आपसे शेयर करती रहूँगी और बहुत सी बातें भी करती रहूँगी शेयर आप लोगों से, तो अच्छा लगता है कि चलो बताया जाए आपको कि किस तरह से अब कोई बातें। अब हम बचपन में मैं ना मतलब ना खो खो जिसको बोलते थे बड़ा मज़ा आता था, और ना वो खेलना करना दोस्तों के साथ, और दुपट्टा कमर में बांध लेना करना, अम्मी ने कहना नहीं ऐसे नहीं दुपट्टा लेते, लेकिन मैंने ना कमर में बांध लिया करती थी कि नहीं भाई मुझे ना ऐसे ही अच्छा लगता है कि ज़ाहिर है लड़कों में भी खेल रहे हैं हम, लड़कियों में भी खेल रहे हैं, कोई वो नहीं होता था। लेकिन आजकल के तो दौर में आपको पता ही ऐसा कर ही नहीं सकते, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है बहुत अच्छा। और वापस मैं कहती हूँ वैसे ही बचपन आ जाए, लेकिन आ नहीं सकता, अल्लाह करे आ जाए वही बचपन हो और हमारी बच्चियाँ जो है वो इस तरह से खेल रही हों, कितना अच्छा लगे ना कि आस पड़ोस के लोगों में। अब नानी के यहाँ तो छोटी सी होती थी ना तो नानी घर चली आया करती, स्कूल से गई नानी घर चली गई, वहाँ से खाना खा लिया मामू घर चले गए, और जुमेरात जब होती थी तो ड्रामा लगता था लावारिस वगैरह ना, लावारिस और अनकही और बड़े अच्छे ड्रामे थे वो पुराने ना, और फिर एक ही मोहल्ले में सिर्फ एक ही टीवी हुआ करता था। अब तो जगह जगह बेजार सी बात है कि हर कमरे में एक टीवी है, तो उस ज़माने की बातें बता रही मैं आपको कि बड़े अच्छा था, तो अच्छा दौर था। तो मतलब कि ना पिट्टू वारी मतलब खेलना, पत्थर वाले जो रख रख के और फिर वो मारते हैं बॉल, शायद आप लोगों ने भी किया होगा। जब मेरी मूवी आप देख रहे हैं तो फिर ऐसे लोग जो मेरी उम्र के होंगे तो उन्होंने भी ऐसे वक्त देखा होगा, तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो बस यही है कि वक्त देखो कैसे गुजर जाता है, लेकिन अच्छी यादें जो होती हैं ना वो हमेशा साथ रहती हैं। तो मैं उठी भी सुबह के टाइम पे, तो मैंने कहा चलो मैं ना आप लोगों से शेयर करूँ अपनी ना बचपन की यादें। तो अब मैं धो रही हूँ बर्तन, ये देखिए बर्तन मेरे अब ये पड़े हुए हैं बर्तन, और ये छोटा सा मेरा किचन है, शुक्र है अल्लाह का, परवरदिगार का, रब्बुल आलमीन का, कि छोटा सा किचन भी है, छोटा सा घर भी है, प्यारा है माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। तो ये है मैं किचन में खड़ी हूँ, और अब जो मेरे बर्तन धुलेंगे, चाय मैंने नाश्ता मैंने कर लिया था, और मेरी छोटी सी बेटी है मेरी प्रो, उसको भी नाश्ता करा दिया था, वो डबल रोटी मक्खन के साथ नाश्ता करती है, तो किस दिन वो भी शेयर करूँगी आप लोगों से, ठीक है। तो बस ये है कि चलो बचपन की बातें भी हो जाती हैं इंसान के साथ ना, कि जिनके माँ बाप हैं तो वो उनकी खिदमत करें, और जिनके नहीं हैं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे अबू हैं यहाँ हैं माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, अम्मी नहीं है, लेकिन जब भी अबू के पास जाती हूँ, कभी मेरे पास भी आ जाते हैं वो, तो कभी बहनों के पास भी चले जाते हैं, कब आएंगे तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी आप लोगों से, दिखाऊंगी मेरे वाली साहब, वो लोग कहते हैं कि ना मेरे अबू के ऊपर हूँ मैं सारी ना, तो कहते हैं लोग मतलब ख़ानदान में ना कि मैं अपने अबू पर गई हूँ। तो मेरे अबू की जो आइस है वो बहुत खूबसूरत है, नीली आँखें हैं मेरे अबू की, लेकिन मेरी छोटी छोटी सी आँखें, लेकिन चलो दुनिया तो सारी देख रही हूँ ना। और क्या चाहिए इंसान को, तो अबू को मैं ये बोलती हूँ अबू आप इतने हसीन हो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, तो थोड़ी सी अल्लाह ताला मुझे भी अपनी आँखें दे देते तो क्या हो जाता। थोड़ी सी मैं भी खूबसूरत हो जाती। चलो सही है, ठीक है, जैसे भी हैं खुश है और अच्छा है चेहरा माशाल्लाह, प्यारा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को हर हाल में जैसे भी हैं। और ये कि सब लोग अब जो है बकरीद आ रही है, अब मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कौन सी शॉपिंग की है और कौन से कपड़े ख़रीदे हैं। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, आस पड़ोस का भी ख्याल रखिए, और जितने बहन भाई हैं उनका भी ख्याल रखिए, अपना भी रखिए, बच्चों का भी रखिए, और ये कि बस खुश रहिए, आबाद रहिए अपने अपने घरों में, जिनकी शादियाँ नहीं हुई बच्चियों की अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे, उनकी शादियाँ हो जाए अच्छे अच्छे घरों में। और बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और दूसरा ये कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे ये है कि मेरी जो हौसला अफजाई है वो हो जाएगी आप लोगों की वजह से, तो मेहरबानी हो जाएगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, तो उसमें ये पैसे नहीं लगते, बस एक ना बैल भी है उसका भी बटन दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर कल तक के लिए, ओके अल्लाह हाफिज़।